हेलो दोस्तों, आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत है। नीट पीजी 2023 का रिजल्ट आ चुका है। इसका जो काउंसलिंग है वो नेक्स्ट मंथ से ही स्टार्ट हो जाएगा। इसमें अगर आप एडमिशन लेना चाहते हो एमडी एमएस में, या फिर आपका डीएनबी में एडमिशन लेना चाहते हो, या फिर आप पैरा क्लिनिकल में एडमिशन लेना चाहते हो, तो यहाँ अगर हम छत्तीसगढ़ की बात करें तो यहाँ आपको गवर्नमेंट कॉलेज में मिल जाएगा ये कोर्सेज। और प्राइवेट कॉलेज भी की अगर हम बात करें छत्तीसगढ़ की, तो यहाँ आपको रिम्स में और बालाजी में आपको एमडीएमएस मिल जाएगा, पैराक्लिनिकल मिल जाएगा, डीएनबी आपको यहाँ छत्तीसगढ़ में नहीं मिलेगा। अगर आप डीएनबी की कोर्सेज करना चाहते हो, एमडीएमएस की कोर्सेज करना चाहते हो, कोई भी कोर्सेज करना चाहते हो, तो छत्तीसगढ़ के बाहर भी काफी सारे स्टेट है जहां आप अप्लाई कर सकते हो। छत्तीसगढ़ में एमडीएमएस का जो सीटेस है उसका मैं वीडियो बना चुका हूँ, और कॉलेज के वेबसाइट में भी जाके आप देख सकते हो वहां जितने भी सीटेस है वो उसमें जो फीस स्ट्रक्चर के साथ वहां अवेलेबल है, तो वहां से आप देख सकते हो। पेड काउंसलिंग अगर आप करवाना चाहते हो, एक किसी अच्छे कॉलेज की तलाश में हो, क्योंकि आप मेडिकल के पहले भी काउंसलिंग कर चुके हो, बहुत सारे परेशानी होती है आपको, कॉलेज मिल गया तो बहुत ही अच्छा, क्योंकि रिस्क लेना नहीं चाहते लोग। जो भी मार्क्स आया उसमें हमें अच्छे से अच्छे कॉलेज यूनिवर्सिटी मिल जाए, इसी की तलाश में रहते हैं, क्योंकि मेडिकल एक ऐसा फील्ड है जिसमें कॉम्पिटिशन काफी ज्यादा है। तो हमारे यहाँ से आप कॉन्टेक्ट कर सकते हो। मैनेजमेंट की सीटेस है या रिजर्वेशन की सीटेस है, कोई भी सीटेस में अगर आप एडमिशन लेना चाहते हो, तो कंप्लीट जो काउंसलिंग का जो प्रोसेस है हमारे यहाँ से किया जाता है, आपका अलॉटमेंट तक का काम किया जाता है। इंडिया में कहीं भी आप कोई भी स्टेट देख रहे हैं, डीम्ड यूनिवर्सिटी देख रहे हैं, तो उसके लिए भी एडमिशन का काम हमारे यहाँ से किया जाता है, तो आप कॉन्टेक्ट कर सकते हो। तो एमबीबीएस का जैसे काउंसलिंग होता है, वैसे ही पीजी का भी सेम काउंसलिंग होता है, सेम प्रोसीजर रहता है। सिर्फ यहाँ जो 50% सीट रहता है, जो कॉलेज का 50% सीट रहता है, वो ऑल इंडिया कोटा से होता है और 50% स्टेट कोटा से होता है। तो चलिए दोस्तों, कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट कर सकते हो। मिलते हैं किसी न्यू इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय।